तीन महीने पहले यहाँ पर गरीब की एक झोपड़ी थी और जिस तरीके से थानोस चुटकी बनाकर दुनिया को तबाह कर देता है, उसी प्रकार सभी हमारे क्षेत्रवासियों ने चुटकी बजाई और किसी को तबाह नहीं किया, बल्कि यहाँ पर झोपड़ी की जगह एक महल खड़ा हो गया, एक खूबसूरत आसियाना बन गया। तो नमस्कार, आप सभी का जनता का राज में बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के बरौली खरका गांव में हैं। हमारे साथ भुम्मा दादा हैं, हमारे साथ उनकी श्रीमती जी हैं जो मुस्कुरा रही हैं, और सभी सम्मानित क्षेत्रवासी हैं जिनकी मदद से इस झोपड़ी की जगह यह आसियाना, खूबसूरत आसियाना बना है। हमारे साथ मुहिम की शुरुआत करने वाले प्रकाश जी भी हैं। तो सबसे पहले हम सभी सम्मानित लोगों से कहेंगे कि सब लोग अंदर चल के इस खूबसूरत आसियाने का फीता कटवाते हैं, इस महल को, एक गरीब के महल को विजिट करते हैं, उसके बाद सभी लोगों से बातचीत करते हैं और क्षेत्र भर के समस्त दानदाताओं को धन्यवाद देते हैं कि आप सब इस मुहिम में जुड़े और एक गरीब की झोपड़ी की जगह आपने एक महल खड़ा करवा दिया। आइए मुम्मा दादा, उद्घाटन करिए आप। तो ये लीजिए, ये फीता लगा हुआ है और यहाँ पर सभी सम्मानित लोग, ये क्षेत्र भर के क्षेत्रवासी हैं और इस महल में, गरीब के महल में प्रवेश करने वाले। फीता काटिए आप चल के। मैं आप सब लोगों से और जनता से मन से चरण छू के कहता हूँ कि मैं महल के अंदर जा रहा हूँ। जान बोले, तालियां बजाइए मुम्मा दादा के लिए। तो ये देखिए, जो प्रधान रहे इससे पहले बरौली के, जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, उन्होंने इनकी समस्या नहीं सुलझा पाई है, इनकी समस्या जनता ने सुलझाई है। दोबारा सभी दानदाताओं के लिए बहुत बहुत तालियां बजाइए आप। ये देखिए, ये श्रीमती जी हैं। कैसो रहो मकान आपको? अच्छो रहो, बढ़िया। तो ये लीजिए मकान है, मकान में एंटर कर चुके हैं। और कभी यहाँ पर एक झोपड़ी थी जिसमें हमें प्रकाश जी ने बताया है कि कोई सांप बिच्छू रहते थे, वो चूती थी, टपकती थी, लेकिन आज ये खूबसूरत मकान बन चुका है। और प्रकाश जी ने जब पहले में बताया, सभी ग्रामवासियों ने बताया कि पता नहीं किस दिन ये झोपड़ी टूट कर गिर जाएगी और ये लोग दब के, कुछ भी हो सकता था उनका, लेकिन अब ये खूबसूरत सा मकान बन चुका है और इसमें सभी क्षेत्रवासियों का योगदान है, सभी दानदाताओं का योगदान है कि ये खूबसूरत सा महल बनके, गरीब का महल बनकर तैयार हो गया है। दादा अच्छो रहो मकान। कृपा है राम जी आपकी, सब जनता की और समाज की। का कहो जनता के, सब दानदातन के, सबको मेरा आशीर्वाद और मेरे पास। बहुत बढ़िया। तो सभी दानदाता हमेशा खुश रहे और जितने प्रधान हैं, प्रधान प्रतिनिधि है, वो एक कान खोलकर सुन ले कि जो वाजिब है, जो पात्र है, उसको उसका मकान मिले, क्योंकि अगर आप नहीं दिलाएंगे तो जनता दिलाएगी और जनता दिलाएगी तो ये आपके मुंह पर एक तमाचा होगा। और हमारे साथ इस मुहिम की शुरुआत करने वाले प्रकाश जी, इनके लिए थोड़ा तालियां बजाएं। और सर आप आगे आ जाएं, आपसे भी बातचीत करना चाहेंगे कि जितने, हर एक गांव में ऐसा है, हर एक गांव की ये कहानी है कि जो पात्र है उन्हें मकान नहीं मिलते हैं, तो ऐसे प्रधान है, प्रधान प्रतिनिधि है, उनको क्या कहेंगे आप? वैसे ये जो शुरुआत हुई है हमारे ग्राम है बरौली खरका में, इसकी तो चाहे जितनी प्रशंसा की जाए लेकिन फिर भी कम होगी, क्योंकि इन्होंने बताया भी है, मैंने प्रकाश जो हमारे लक्ष्य के मेंबर हैं, कि काफ़ी कुछ प्रयास किया हमने ग्राम प्रधानों से, कई पंचवर्षीय गुजर गई, लेकिन हमारे जो भौमा दादा है, इनके लिए कहीं कोई आवाज़ की किसी ने पहल नहीं की, लेकिन प्रकाश ने पहल करके सभी के सहयोग से थोड़ा बहुत चंदा इकट्ठा करके इस इनका कुछ राजनीतिक या अपना पराये का एक भेद रहता है, उनकी मानसिकता कुछ इस प्रकार की रहती है। इस प्रकार से हमारे भौमा दादा अभी तक एक कच्ची झोपड़ी में रहते रहे, लेकिन आज इस महल, एक कमरा देख करके, आसियाना देख करके, सब ने, किसी ने 5,000, किसी ने 10,000, किसी ने 15,000, किसी ने ईंटा दिया, किसी ने मजदूरी की, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये मुझे लगता है इकलौता पूरे उत्तर प्रदेश में एक इकलौता मामला है जहां पर जनता ने जनता के लोगों की सुनी है और जनता के लिए आसियाना बनाया है। तो जो हमेशा चैनल का नाम भी जनता का राज है, तो वास्तव में जनता का राज जमीन पर भी चलने लगा है। एक बार सभी दानदाताओं के लिए जोरदार तालियां और जनता के लिए जोरदार तालियां। हाँ मुम्मा दादा, और कछु कहते हैं आप?
मैं ये कहना चाहता था कि जनता ने मुझे ये बहुत बड़ा परोपकार किया है और मेरे पास आशीर्वाद जनता को मैं ज़्यादा नहीं दे सकता हूँ, तो इतनी आशीर्वाद तो दे ही सकता हूँ जो कि जनता खूब फले फूले। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। प्रकाश, ये बात करते मुहिम की शुरुआत की, क्या क्या देखा आपने, कैसी झोपड़ी थी, कैसी वो पीड़ा थी, और हर एक गांव में ऐसा होता है, तो इस मुहिम की शुरुआत के बारे में बताइएगा, इनकी झोपड़ी के बारे में बताइएगा। झोपड़ी आप देखते तो बहुत बुरी हालत में थी, उसको झोपड़ी भी नहीं कह सकते, एक कच्चा मकान हमने देखा, आधा टूटा फूटा, आधा टूटा फूटा, टीन डले जले उसी पे जंगल खड़ा हुआ है। देख के गांव के हर लोगों को, सबके मन में था, हमारे मन में था कि एक सरकारी आवास मिल जाए। हर लड़के, कोई गांव का हर जो भी लड़के, पूरा सहयोग दिया लड़कों ने, तो कभी वो भी फेसबुक पर डालते रहते, हम भी डालते रहते थे। प्रधानों को भी कहा है, भैया सचिव जी आए तो कहा जी मकान देख लो, इनको दिलवा दो, आवास दिलवा दो। भैया बम्मा का पहले नंबर पे लिस्ट में नाम है, सबसे पहले इन्हीं का बनेगा। ऐसे करते करते 48 आवास बन चुके हैं इनका, 48 आवास बन चुके थे और बम्मा दादा की झोपड़ी चौके थे होती, ऑनलाइन तक नहीं किया गया अभी तक। इसके बाद जब जहाँ पे देखो तो जहाँ पे मतलब सांप भी है, छिपकली भी है, ऐसी बगल पे तालाब किनारे है, तो लड़कों ने बताया सांप भी रहते, कभी कोई काट लेगा, मतलब काट दे तो बस खत्म भी हो जाए। तो हमने यही सोचा कि कहीं कोई हो ना जाए, तो ऐसा हो सकता है 10-20-50 रुपए करके एक कमरा बनवा दे। जो उम्मीद नहीं थी कि इतना पैसा आ जाएगा कि मतलब प्लस रंग रोशन इतना अच्छा बन जाएगा, अच्छा सा आशियाना उनका हो जाएगा। हमने ये सोचा था कि छत मिल जाए गरीब को, इससे अच्छा है कि इसके लिए मुहिम चलाई थी। गांव के लड़के भरपूर, बहुत अच्छा सहयोग रहा नवयुवक संघर्ष समिति का, सभी लोगों का मैं दिल से आभारी हूँ, क्योंकि इनका इनके सहयोग के बिना ये मुहिम पूरी नहीं हो सकती थी। बहुत अच्छा, तालियां हो जो दानदाता, किसी ने 100 दिए, किसी ने 10 दिए, जो जितने लायक था सबने रुपए दिए, सबने मदद की। मैं सभी दानदाताओं को हाथ जोड़ के एक बार पुनः सभी दानदाताओं के लिए तालियां, सभी दानदाताओं के लिए कृतज्ञ हूं मैं। कभी इनका आभार अब मैं कैसे चुकाऊं मुझे पता नहीं है, न मैं शब्दों में। पुनः हमारे प्रकाश जी के लिए तालियां हो जो मुहिम में उन्होंने शुरुआत करी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सभी प्रतिनिधि, प्रधान हो, सांसद हो, विधायक हो, आप राजनीति ना करें। गरीब है तो गरीब की, गरीब को देखो, उसको लाभ दो, उसमें राजनीति ना करें, बस यही निवेदन है। बिल्कुल, अब जनता जाग चुकी है, अगर आप लोग जनता के हक नहीं देंगे तो जनता इन्हें इनका हक दिला देगी और ये आपके मुंह पर एक तमाचा होगा। आपका क्या कहना है जो ऐसा कहना चाहता हूँ? भाई सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने मीडिया के साथियों को, जिनके माध्यम से जन जन तक ये आवाज़ पहुँच रही है, और बाद में हमारे प्रकाश भाई ने मुहिम चलाई, उसमें प्रकाश भाई का जो योगदान है उसमें आप लोगों की विशेष भूमिका है। आप लोगों के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जन जन तक बात पहुँची, लोगों ने सहयोग करके जो किया, ऐसा करना चाहिए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ जनप्रतिनिधियों से कि भाई उसमें राजनीति ना की जाए। जो आम गरीब आदमी है, गरीब आदमी किसी भी जाति का हो सकता है, किसी का भी पक्षधर हो सकता है, ना कि हमें नहीं वोट दिया कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसको अगर उस पात्र है तो उसको हक मिलना चाहिए। और मैं आप लोगों के माध्यम से बार बार यही कहना चाहता हूँ कि भाई कोई भी हो, जनप्रतिनिधि हो या कोई भी हो, सरकारी अधिकारी हो, उन लोगों को आकर के देखना चाहिए कि जमीनी हकीकत क्या है, और ऐसे लोग सरकार की योजनाओं से वंचित ना रह जाएं, ताकि हमारे प्रकाश भाई जैसे लोगों को आगे मुहिम चलानी पड़े, चलानी पड़े। धन्यवाद इसी के साथ भाई, आप मैं आप लोगों का बहुत बहुत। एक और सवाल आपसे, क्योंकि आपकी आवाज में जो बुलंदी है, हम चाहेंगे जो जनप्रति, जैसे कि प्रकाश जी ने कहा, चाहे वो सांसद जी हो, चाहे विधायक जी हो, कई गांव आपने अभी चर्चा हो रही थी, कई गांव में सड़क नहीं है, और हमारे भम्मा दादाजी जैसे है जो वंचित लोग हैं, गरीब से गरीब है, इन तक इनका लाभ नहीं पहुंचता है, तो इनको क्या कहेंगे आप राजनेताओं? देखिए, ये राजनेताओं के कहीं ना कहीं इनकी मानसिकता वो है कि ये लोग वास्तविकता राजनीति नहीं करते हैं, ये भेदभाव पूर्ण राजनीति करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप उस पद पर अगर पहुंच गए हैं तो राजनीति का भेदभाव खत्म, मुझे लोगों ने वहां पहुंचाया है, आपको पहुंचाया, तो ये भेदभाव खत्म कर देना चाहिए। मेरा आप लोगों के माध्यम से सब लोगों को केवल यही कहना है कि इसमें कोई भेदभाव राजनीति ना की जाए, जिसका हक जो लायक है पात्र तक उसका वो पहुंचना चाहिए, सरकारी हक। बिल्कुल, पात्र तक उसका हक पहुंचना चाहिए, और राजनीति का मतलब होता है नीति से जो राज करे वो राजनीति होती है, बाकी सब दलाल हैं, जो दलाली करते हैं, पैसा कमाते हैं,
पैसा कमाइए कोई नहीं रोक रहा, लेकिन कम से कम बेचारा जो गरीब है, आप तो काजू किशमिश खा के पेट अपने मोटे कर, लेकिन बेचारा गरीब है जिसका पेट पीठ में मिल चुका है, उसके लिए कम से कम कुछ दाने तो छोड़ दीजिए। हाँ प्रकाशी कुछ कह रहे थे आप? मैं सभी पत्रकार बंधुओं का, सभी दान दाताओं का बहुत आभारी हूँ, जिस तरीके से और जो मुहिम की टीम है, नरेंद्र महासाहब, शिक्षक चंद्र सिंह वाले, हमेशा समाज सेवा हमेशा करते हैं, डॉक्टर ब्रजेश जी एक ऐसा स्वभाव कहना क्या, राघवन जी आप भी इस मुहिम के, नरेंद्र जी, अवनीश जी, सभी लोगों का और समस्त ग्रामवासियों का इतना अच्छा सहयोग रहा कि मैं साथ सोच नहीं सकता था कि इतना अच्छा सहयोग मिलेगा। कितने दान दाते टोटल? 200 थे कितनी? हाँ 207 के लगभग लिस्ट थी और 200 के ऊपर है लगभग, और ये पूरा हिसाब किताब, बिल्कुल पूरा हिसाब किताब एक कॉपी में लिखे थे। तो सबसे बड़ी बात वो आपका दिख रहा है, कोई जरूरत नहीं है उस चीज की। पुनः जितने सारे दानदाता हैं उन सभी को दो लाने याद आ रही है, क्योंकि बम्बा जी का मकान बना है तो दो लाने याद आ रही है। नेता और अधिकारियों के बनने से कुछ नहीं बनता, नेता और अधिकारियों के बनने से कुछ नहीं बनता, असली भाग विधाता है जनता। क्या बात है, बहुत अच्छे उदेश जी। तो अल्टीमेटली जनता अपने वोट से एक सांसद बनाती है, विधायक बनाती है, प्रधानमंत्री बनाती है, तो ये कुछ भी बना सकती है। तो आप सब में बहुत ताकत है, अपनी ताकत को पहचानिए और जनता के जुड़े जो मुद्दे होते हैं उन्हें शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ऐसी मुहिम लगातार सफल होती रहे। और अगर अभी तक आपने जनता का राज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।